सब सच बताता, कुछ न छुपाता। आईना 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 आईना, सबको निहारे बिगड़ी सवारे। आईना 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 पीछे हम लोगों ने जो अर्जी दी थी उसको अभी तक मंजूरी नहीं मिली है। अगर हो जाता तो बहुत ही अच्छा होता हम लोगों के लिए। हाँ हाँ हाँ, अच्छा एक मिनट, मैं इनसे बात तो कर लूँ पहले। अरे आप यहाँ खड़े खड़े क्या कर रहे हैं? आइए हमारे महिला मंडल से तो मिलिए। ये है नाचम, ये उदयनो, उरा नमस्ते, ये है बोतलार, ये किलोसने, और ये हमारी ग्रुप की अध्यक्षा इरालू। अब आप ही बताइए हम क्या करें। जब हमें पता लगा कि जो काम हम जैसे महिलाओं को मिलना था वो सरकारी कॉन्ट्रैक्ट किसी कॉन्ट्रैक्टर को मिला। हाँ, उसने काम तो किया नहीं, सरकार से पैसे ले रहा है। हाँ हाँ सही बात है, हमें डीसी के दफ्तर जाना ही चाहिए। आप भी चले, वहाँ जाकर हल्ला करने से कुछ होने वाला नहीं। हमें साथ में अर्जी ले जानी पड़ेगी। अर्जी? लेकिन अर्जी कौन लिखेगा? हम लोग ताईतागक से बात कर ले। ओफो, वे फिर से पूछेंगे कि आप लोग पढ़ना लिखना क्यों नहीं सीख लेते। आप सब लोग पढ़ना लिखना क्यों नहीं सीख लेते? ओहो, फिर से शुरू हो गई, क्या करें इसका। देखिए आज हम इतनी खुलकर बातें करते हैं। वहाँ देखे क्या बात कर रही है? मैं इन्हें बता रही थी कि पहले हमारा क्या हाल था। सब अपने घर से मतलब रखते थे, चार दीवारों में बंद। मैं बताती हूँ, घर बच्चा और पति, बस यही हमारी दुनिया, बाहर का हमें कुछ पता नहीं। पूरा दिन गप्पे मारना या घर का काम, बाहर हाजरा मिले तो काम करना। नहीं नहीं, हम ये तो नहीं कह रहे हैं कि हमें घर का काम नहीं करना चाहिए। लेकिन हमें दूसरे काम भी तो करने चाहिए। पहले मैं समझती थी कि मैं अकेली हूँ, मैं क्या कर सकती हूँ, पर अब ऐसा नहीं है। हम बहुत गरीब है, कुछ काम मिला तो कर लिया, नहीं तो बस। और फिर रात के खाने की छुट्टी। मेरा पति एक सुतार है, सीजन में काम मिलता है तो ठीक है, नहीं तो 3 महीने घर पे ही बैठना पड़ता है। देखिए अगर हमें हाजरा का काम मिलता तो हम काम पर होते और आज आपको हम यहाँ नहीं मिलते। खैर कहानी बहुत लंबी है, शुरू से सुनाती हूँ। लेकिन कहानी सुनने के लिए हमें पुमरांग जाना होगा, क्योंकि हमारी महिलाओं का स्वयं सहाय समूह वहाँ शुरू हुआ था। तो चलिए मैं आपको लेकर चलती हूँ। ये रास्ता आप देख रहे हैं, इस बांबू के पुल से उस गांव तक, उसे गौर से देखिए। हमारी कहानी इसी रास्ते से शुरू होती है। वो रहा हमारा गांव पुमरांग, हमारे समूह की काफी औरतें यहाँ रहती है। चलिए चलते। इसी की बात कर रही थी। हाँ यही मेरा घर था, यही मेरा ससुराल था। पहले मैं यही रहती थी, अभी भी बुआई कटाई के समय मैं गांव वापस चली आती हूँ। आइए आप लोग भी घर चलिए, वही बातें करते हैं। आओ हमारे समूह की काफी सारी औरतें यही रहती हैं और हमारे गांव का हाल भी दूसरे गांव के जैसे ही है। खेती बाड़ी का काम ही ऐसा है, 5 महीने तक खूब काम करना पड़ता है, बाकी 7 महीने तो कुछ नहीं। कुछ साल पहले की बात है, यहाँ के बीडीओ गांव आए थे कुछ सरकारी काम के लिए। हमारे पास खेत में कोई काम नहीं था और कटाई भी नहीं हो रही थी, तो हम औरतों ने उन्हें घेर लिया।
आइए इस तरफ कुछ देखते हैं। अरे भाई ये सब औरतें कौन है? पता नहीं, सुबह से आपका इंतजार कर रही हैं। नमस्ते। नमस्ते। नमस्ते साहब, आपसे कुछ बात करनी है। कहिए। ऐसे नहीं, पहले उन्हें बैठने दो फिर बात करते हैं। आप चलिए बैठिए। आइए आइए। चलो चलो चलिए। वो क्या है सर कि पिछली बार जब आप आए थे तो आपने कहा था कि कोई सरकारी स्कीम है महिलाओं के लिए। सर आपने कहा था कि हम कुछ काम करेंगे तो सरकार पैसा देगी। हम 10-15 औरतें हैं तो हमें आपके स्कीम के बारे में पूछना था। सरकार कितना पैसा देगी? अरे भाई, सरकार के पास पेड़ पर थोड़े ही पैसा उगता है कि आपने मांगा और सरकार दे देगी। क्या करना चाहती हैं आप? हमें पता नहीं। अगर आपको नहीं पता है कि आप क्या करना चाहती हैं तो मैं कैसे मदद करूं? अरे साहब, इन्हें कुछ आता जाता है नहीं और सब हमारा दिमाग खा गई हैं कि इन्हें कुछ करना है। अरे साहब, ये उरी कहती रहती है जो काम मर्द कर सकते हैं वो औरतें भी कर सकती हैं। तो और क्या हम कर सकती हैं? और जब वीडियो साहब पूछते हैं तो कहती है कुछ नहीं, पता नहीं। साहब आप उनकी मत सुनिए, आप हमें बताइए हमें क्या करना है, हम करेंगे। देखिए, आपको सिर्फ संगठन नहीं बनाना, कुछ पैसे भी जमा करने होंगे। पैसे? लेकिन सर हमारे पास पैसे कहाँ हैं? क्यों, आप काम नहीं करती? करते तो हैं लेकिन पैसा या तो खर्च हो जाते हैं या फिर घर वालों को दे देते हैं। और हाँ, जब कुछ बड़ा काम करना हो तो लिखकर प्रपोजल देना होगा। अरे साहब, इनकी बातों में क्यों पड़ रहे हैं? ये सब बकरियों की तरह मैं करती रहेगी और कुछ नहीं करेगी। ओहो, बहुत देर हो गई, मैं चलता हूँ। आप लोग पैसे जमा कर लो, उसके बाद मुझे मिलना, ठीक है? साहब आप जो कहें हम करने को तैयार हैं। साहब आप जो कह रहे हैं वो हम समझते हैं, हमें पता है कि हम कोशिश नहीं करेंगे तो हमारी मदद भी कोई नहीं करेगा, मगर क्या करें, हमें कोई समझाता ही नहीं। ठीक है, मैं ताई तागाक को भेजता हूँ। मैं यहाँ इसलिए आया हूँ ताकि आप लोगों की कुछ मदद कर सकूँ। मैं एक स्वयंसेवी संस्था में काम करता हूँ जिसका नाम है तानिये जागृति फाउंडेशन। ये संस्था ईटानगर के आसपास में महिला विकास, महिला जागृति और महिलाओं को अपने पैरों पर खड़ा करके हर विकास कार्य में भाग लेने का उचित अवसर प्रदान करती है। अच्छा, आप सब पूरे दिन में क्या काम करती हैं? घर का काम। घर का काम। और कुछ नहीं? और कुछ नहीं करते। अच्छा, तो बाजार में सब्जी कौन खरीदने जाता है और गाय कौन चराने जाता है? पर वो भी तो घर का ही काम है। और उनका टिफिन कौन बनाता है? हम। अच्छा तो बताइए, बच्चों को पढ़ाता कौन है? साहब हमें पढ़ना लिखना तो आता नहीं, लेकिन हर शाम बच्चों के सामने उनकी किताबें रख देती हूँ, कुछ ना कुछ तो करते होंगे। अच्छा, अब ये तो बताइए कि आपके पति कितना काम करते हैं? बहुत काम करते हैं, सुबह उठकर तैयार होकर काम ढूंढने जाते हैं, अगर काम मिला तो पूरा दिन काम करते हैं और रात को जब घर आते हैं तो हाथ में पैसे दे देते हैं। पूरे घर की जिम्मेदारी उनके कंधों पर है। पर वो करते क्या हैं? जो काम मिला वही करते हैं। और आप काम नहीं करती? हाँ बिल्कुल करती हूँ, खेत पर या कहीं पर भी, सिर्फ सीजन में काम मिलता है, कटाई के समय पर कटाई, बिल्डिंग पर, हर समय तो हमें काम नहीं मिलता ना। घर के काम में आपके पति कभी आपकी मदद करते हैं? क्या कह रहे आप साहब, वो चूल्हा नहीं जला सकते, खाना बनाना तो दूर की बात है। मुझे एक बार बुखार हुआ तो खुद का हाथ जला लिया, पर चाय नहीं बना पाए। तो फिर कौन ज्यादा काम करता है, आप या आपके पति? हम, है ना बहनों, हम सब ज्यादा काम करते हैं। आप कहना क्या चाहते हैं? आप अपने पति से ज्यादा काम करती हैं, सोचो आप। आपने सही कहा, ये तो हमने सोचा ही नहीं था। हाँ बिल्कुल सही है, हम हमेशा कहते थे कि हमारा पति बाहर काम करता है तो वही ज्यादा मेहनत का काम करता है, क्योंकि वो पैसे कमा के लाता है। पर हम भी पैसे कमा के ला सकते हैं। लेकिन हमारा पति हमें काम नहीं दिलाएगा तो हम पैसे कहाँ से कमाएंगे? वही तो मैं बताने आया हूँ। देखिए,
आप अकेले कुछ नहीं कर सकती, लेकिन आप सब मिलकर बहुत सारा काम कर सकती हैं। सरकार की योजनाएं बहुत है, जैसे सेल्फ हेल्प ग्रुप और नेबरहुड ग्रुप, जहां आप सब मिलकर काम कर सकती हैं और जिससे आप मिलकर पैसा जमा कर सकती हैं और पैसा जमा करके बैंक से आप लोन ले सकती हैं। मुझे पता था आखिर बात पैसे पे ही आने वाली है। हम क्यों पैसे आपको दें? नहीं नहीं, मुझे पैसे नहीं चाहिए। मुझे पैसे ना देखना है ना पैसा गिनना है। देखिए, आप मिलके अपना एक ग्रुप बनाइए, ग्रुप बना के पैसों को आप जमा कीजिए और उसी पैसों को अपने ग्रुप के लिए सही ढंग से इस्तेमाल कीजिए। बस पूछिए मत क्या क्या बहस हुई। ताई तागा सवालों के जवाब देते देते थक गए, औरतें भी थक गई। बहुत सारी औरतें ताई तागा के साथ उठकर चली गई, मगर हमारी चर्चा खत्म नहीं हुई, चर्चा चली रही। अब क्या करें? अब पैसे तो हर महीने देने ही पड़ेंगे। हाँ बिल्कुल सही बात। हाँ पर कितने पैसे निकालने पड़ेंगे? अरे भाई, हम जितने पैसे निकालेंगे उतने जमा हो जाएंगे। अगर हम 100 निकालेंगे तो 100 जमा हो जाएंगे, मगर हम कितने पैसे निकालेंगे और कौन कौन निकालेगा? लेकिन हमारे घर वाले मानेंगे? हर महीने कितने पैसे जमा करेंगे? 5-5 रुपए। 5-5 रुपए से क्या होगा, कम से कम 10-10 रुपए तो जमा करने पड़ेंगे। पैसे कितने भी हो घर वाले देंगे? मेरा पति तो मुझे मारेगा। अरे भाई, अगर मार खानी है तो 10 रुपए के लिए खाएंगे, 4-5 रुपए के लिए क्यों खाएं? आ गए? हाँ। पानी देती हूँ। अरे अरे, आप कष्ट ना करें, ऐसे छोटे मोटे काम करना आपको शोभा नहीं देता। तो क्या विचार विमर्श हुआ, क्या निष्कर्ष निकला आपका महिला संगठन का? हर महीने पैसे देने होंगे, पैसे जमा होंगे तो ही कुछ कर पाएंगे। हाँ, कितने पैसे देने हैं? 10 रुपए। तुझे जो करना है कर, मैं तुझे एक नया पैसा भी नहीं दूंगा, समझी? समझी। मुझे 20 रुपए चाहिए। मेरे पास कोई पैसे नहीं है। ए लामा, दुकान वाले को कितने पैसे दिए थे? 30 रुपया। तो बाकी के बचे हुए पैसे मुझे दे दे। सिर्फ 10 रुपए? और कहाँ है यंग यंग? यंग यंग क्या है? मेरे 10 रुपए कहाँ है? नहीं है मेरे पास। नहीं है? नहीं है, मैंने महिला समूह में दे दिए। झूठ बोलती है, ला पैसे, नहीं तो मार मार कर तुझे सीधा कर दूंगा। तुम्हें शराब के लिए पैसे चाहिए और मैं हम सब के लिए पैसे जमा कर रही हूँ। ए, ज्यादा बोलती है ना, ज्यादा बोली तो तेरी जबान खींच लूंगा। मुझे 10 रुपए चाहिए। आपने सुना नहीं, मुझे 10 रुपए चाहिए। ये दुनिया, ये महफिल, तेरे काम की नहीं, मेरे काम की नहीं, ये दुनिया तेरे काम की नहीं। मैं घर आ गया। अच्छा, तुम तुम्हारे घर जाओ, मैं मेरे घर जाता हूँ। ठीक है, चलो। ये लो शर्ट पकड़ो, हाथ लगाओ। हम सब 15-20 महिलाएं एक साथ हुई और हर महीने 10-10 रुपए जमा करती रही, और जो हमारी पूंजी बनी उसमें से हम एक दूसरे को पैसे उधार देने लगे, ब्याज पर। हमने साहूकारों से कम ब्याज रखा, फिर भी आहिस्ता आहिस्ता हमारी पूंजी बढ़ने लगी। पहले तो हम सबको मीटिंग करने की तमीज ही नहीं थी, वो भी हमें ताई तागाग ने सिखाया। फिर हमने इरालू को अपना अध्यक्ष बना लिया, क्योंकि हम सब में से वही एक पढ़ी लिखी थी, वही खाता लिख सकती थी। फिर हम सब औरतों ने ठान लिया कि हम कुछ ना कुछ करके दिखाएंगे। फिर पैसा जमा करते करते, मीटिंग करते करते हम सब थक गए। कोई कुछ कहता तो कोई कुछ। हाँ, मगर समझिए,
आहिस्ता आहिस्ता हम सब औरतों ने पैसा जमा करना, खाता लिखना और पैसों का सही इस्तेमाल करना सीख लिया। ए, तूने मुझे डरा दिया। बातें क्या कर रही है, आके काम करना। आती हूँ। आप सुनिए, पहली बार हमें सरकार से काम का कॉन्ट्रैक्ट मिला है। कचरा डालने के लिए 3 बाड़े बनाने हैं। काम रातों रात खत्म करना था। ये काम किसी और ने लिया नहीं, कॉन्ट्रैक्ट हमें मिला। अगर कल सुबह काम खत्म हुआ तो 1000 रुपए हमारे। कहाँ जा रही है? चल बाहर जाओ। बोल, कहाँ गई थी रात भर गोबर खाने? हाँ, वो हम औरतों की क्या रात भर प्रस्ताव पारित किए थे क्या? झूठ बोलती है, कहाँ गई थी? कचरे के पेटी में। हट, जबान चलाती है। रात भर औरतों के साथ ही तो घर में क्यों नहीं बोला था? बोला तो था, पूछो इसको। रात भर शराब पीकर कहाँ पड़े रहते हो, मुझे क्या पता। ठहर, तुझे बताता हूँ। तेरी तो क्यों रो रही है, कुछ तो बता, क्या हुआ? उन्होंने मुझे घर से बाहर निकाल दिया है, शक करते हैं मुझ पर। क्या हुआ? इसका पति इस पे शक कर रहा है क्योंकि रात को हमारे साथ काम करने आई थी। आप बैठिए अंदर। मैं अंदर नहीं आऊंगी, मैं बाहर ही बैठूंगी। उन्होंने भैया पर शक की नजर से देखा तो मुझे बुरा लगेगा। तू हाथ मुंह धो ले, मैं सबके लिए चाय बना रही हूँ, तू भी पी ले, तुझे अच्छा लगेगा। उरा उरा, ये देखो पैसा, पैसा जमा हो गया है। पैसे जमा हो गए? हाँ। अरे वाह, देखो इतने सारे पैसे। हाँ, पैसे। ये पागल हो गए क्या, इतने सारे पैसे, ये कहाँ से आए पैसे? पैसे हैं पैसे, पर आया कहाँ से? ये पैसा हमारा है, हमारा, वो हमने कचरे का बाड़ा बनाया था ना, वही का है। क्या उसका पैसा? पर ये पैसे मिले कैसे? अरे ताई तागा ने दिए होंगे, वो बोल रहे थे पैसा आने वाला है। सरपंच साहब, ये कुछ कागज हैं, टेंडर के, रोड के काम के लिए। इसमें कुछ कॉन्ट्रैक्टरों ने सब रेट लिखे हुए हैं। हमको किसको काम देना है वो ताई तागाक साहब को पूछना पड़ेगा। कहते ना कि शेर को आदमी के खून का चस्का लग गया तो और भी खौफनाक हो जाता है। अब तो गांव में हमारी चाल ही बदल गई। गांव में अब कोई हमारा मजाक ही नहीं उड़ाता। और हम औरतों ने ठान लिया है कि कोई बड़ा काम करके दिखाएंगे, है ना? अरे सरपंच और ताकाक साहब आओ, बात करते। नमस्ते सरपंच जी। नमस्ते ताकाक साहब। प्रपोजल लेके आया हूँ, आप आकर देख लें तो। अच्छा ठीक है। आप लोगों ने पूरा हिसाब तैयार कर लिया कि पंचायत को कितना खर्च पड़ेगा? जी हिसाब कर लिया। जो कम से कम दामों में ये काम करने को तैयार होगा उसी को ये कॉन्ट्रैक्ट दिया जाएगा। आप सब लोग कागज छोड़ दीजिए, हम कल देख लेंगे और आपको बुला लेंगे। सरपंच जी अगर आप आज ही देख लेते तो। ये लो आ गए। नमस्ते सरपंच जी। नमस्ते नमस्ते, नमस्ते। देखिए आप 10 मिनट के बाद आइए, हम लोग कुछ काम कर रहे हैं।
हम भी अपना नाम लिखाना चाहते हैं। किस चीज के लिए? रास्ता बनाने के कॉन्ट्रैक्ट के लिए। क्या कह रही हो? आप पुल से गांव तक का रास्ता बनाने की बात कर रहे हैं ना? हाँ, हम उसी का टेंडर देने आए हैं। हम औरतें भी उसी काम के लिए आए हैं। साहब, इन औरतों को क्यों सर पर बिठा रहे हैं? इनको कुछ भी काम आता जाता नहीं है। कौन कहता है कि हमें काम नहीं आता? हम औरतों को सब काम आता है। सुनिए साहब, आप इन औरतों को समझाइए, ये सर पे चढ़ी जा रही हैं। आप इनसे बात क्यों करें? ये हमारे महिला समूह के सदस्य नहीं है, आप हमसे बात कीजिए ना। देखिए साहब, आप इन औरतों को यहाँ से ले जाइए। सरपंच जी, आप हमसे बात कीजिए। ताई ताकाक साहब को हमने बुलाया है, अगर कुछ लिख के देना होगा तो ये लिख के देंगे। इन्हें लिखना पढ़ना तो आता नहीं, टेंडर कहाँ से भरेगी? हम सब कागज लेकर आए हैं पूरे हिसाब के साथ। इरालू, कागज तो दे। ये देखो सरपंच साहब, कह रहे हैं कि वे औरतों का टेंडर नहीं लेंगे। क्यों? ये औरतों का काम नहीं है, घर जाके घर संभालिए। देखिए, ऐसा कौन सा काम है जो रास्ता बनाते समय औरतें नहीं कर सकती? अरे कटाई, छटाई, खुदाई, पत्थर तोड़ना, मिट्टी फेंकना, सब कुछ करती है औरतें। अरे हाजरा पर काम करना और ये पूरा कॉन्ट्रैक्ट लेना, उसमें जमीन आसमान का फर्क है। आप क्या समझते, ये काम हम नहीं कर सकते? बस करूरा, बहुत हो गया। देखिए सरपंच जी, हमारे कहने का मतलब ये है कि कॉन्ट्रैक्टर साहब रास्ते का कॉन्ट्रैक्ट तो लेते हैं लेकिन खुद काम करते नहीं, और लोगों से करवाते हैं। वैसे हम भी करेंगे, हमसे जो काम बनता है वो हम करेंगे, जो हमसे नहीं बनता वो हम हाजरा भी करेंगे। लेकिन फर्क सिर्फ इतना है कि जो पैसे कॉन्ट्रैक्टर साहब को मिलते हैं उसका मुनाफा वो शहर ले जाते हैं, और जो हमें मिलता है उसका मुनाफा हम गांव में रखेंगे, क्योंकि हम गांव में रहते हैं। सरपंच जी, आप सोचिए, हम भी आपकी बहू बेटियां हैं, अगर ये पैसा हमें मिल जाए तो ये पैसा गांव में ही रहेगा। ठीक है, तो सरपंच साहब, उनका टेंडर ले लूं? हाँ ले लो। शुक्रिया, हुई ना बात? हाँ, देखो हो गया। देखिए, मगर पहले हम सब टेंडर देखेंगे। हाँ, जिसका रेट कम होगा उसी को ये काम मिलेगा। हाँ हाँ। मैं आपको एक बात बताती हूँ, हमें उम्मीद ही नहीं थी कि हमें ये काम मिलेगा। हमारा सरपंच बहुत कुड़कुड़ाता है, हम औरतों को काम देगा ऐसा मुझे लगा ही नहीं था। मगर सच कहूँ, उसकी बीवी हमारे समूह में मेंबर बनना चाहती है, शायद इसलिए। नारी शक्ति जिंदाबाद। कुछ गांव वालों ने हमारी मदद की, जैसे खिलौसने के पति चिकरे, हम उन्हें पैसे देते थे रास्ता समतल रखने के लिए, मगर वो हमारी मदद करते थे, खाता लिखना, प्लानिंग करना, क्योंकि हमारे समूह में इरालू के अलावा कोई पढ़ा लिखा ही नहीं था। अभी तक तो सब ठीक ठाक चल रहा था, सिवाय इरालू के। बेचारी सुबह से शाम तक खाता लिखना, पैसे देना, हाजरा बांटना, यही करती थी। तब मेरी समझ में आया, अगर हम औरतें ऐसी अंगूठा छाप रहेंगी तो हमारे समूह को कोई बड़ा काम नहीं मिलेगा। अरे माँ, तुम कब आई? कितनी देर कर दी आने में, मैं कब से बैठी हूँ। हाँ माँ, देर हो गई, तुम कब आई? मैं अभी आई, तेरा काम ज्यादा था आज। नहीं माँ, पैसे लेने में देर हो गई। ताबिया कहाँ है, नहीं आया? वो भी पैसे लेने के लिए खड़ा है, और मैंने उसे कुछ सामान लाने के लिए कहा है। पैसे लेने में इतनी देर क्यों होती है? माँ, हम 20-25 औरतें हैं, हम में से कोई भी पढ़ा लिखा नहीं है, सिर्फ इरालू पढ़ी लिखी है। हम सबका खाता लिखना, पैसे देना, समय तो लगेगा ना। पता है माँ इरालू क्या कहती है? क्या कहती है? कहती है कि अगर हम औरतें पढ़ी लिखी होती तो उसका काम आधा हो जाता। लेकिन लेकिन क्या माँ, याद है तुझे जब मैं स्कूल जाती थी तो मुझे कितना मारती थी? 12 साल की उम्र में मेरी शादी कर दी और मुझे घर में बिठा दिया। मैं पढ़ना चाहती थी माँ।
किसी तरह रोते धोते हंसते गाते काम खत्म हुआ। हमने सोचा था कि काम 20 दिन में खत्म हो जाएगा, लेकिन काम 15 दिन में खत्म हो गया। अब बात आई रास्ते के उद्घाटन की, तब हम जाके सरपंच से मिले। उरा तू बोल। मैं बोलू? बोल। सरपंच जी मतलब? समझी, सरपंच जी ने जो हम पे भरोसा दिखाया है वो किसी ने नहीं दिखाया, और उन्हें निमंत्रण देगी हमारी नई मेंबर अंगम। ये तो हमारी मिसेज हमारी मिसेज है और नाच सीना पे कुए दोगे पिंको ससो दो नीला दुआर चादो सचंगो दोगे पिंको ससो बोलो लाला दुआर चादो औरू नाच सीना गुलाम बंग पे कुए औरू नाच। सरपंच जी ने हमें पैसे दिए, 49,000 रुपए का चेक मिला हमें। इतने पैसे ना हमने कभी देखे थे ना गाँव वालों को कभी मिले थे। हम 20 औरतों में से हर एक को 2,850 रुपए मिले। कहते हैं ना, धूप के साथ छाव आती है, दुख के साथ सुख, वही हुआ हमारे साथ। अब हम 20 औरतों में से कुछ औरतें अपना पैसा लेके चली गई, लेकिन जो बाकी बची थी उन्होंने कुछ पैसा अपने लिए रखा और कुछ बैंक में डाला, और उस दिन गाँव में खाना खिलाया और खूब नाचे।